नमस्कार दोस्तों, आज मेरा गार्डन से मैं बहुत सारे सब्जी हार्वेस्टिंग करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीपी गार्डन में। आप लोग को स्वागत है दोस्तों। ये मेरा गोल लौकी का पौधा, अभी इसमें फल भी लगना शुरू हो गया है, आप देखिए। ये भिंडी का पौधा भी मैंने कुछ दिन पहले इसको बीज से कैसे ग्रो किया जाता है उसके लिए एक वीडियो बना के आप लोग को दिखाया था। अभी उसी पौधे में देखिए कितना बढ़िया से इसमें फूल और फल दोनों साथ में आया है। अभी कुछ मैच्योर भी हो गया है, उसको तोड़ना पड़ेगा। आप देखिए अच्छी तरह से इसमें फूल और फल दोनों एक साथ में आया है। दोस्तों भिंडी एक ऐसा सब्जी है जिसको हर दिन तोड़ना पड़ता है, नहीं तो वो बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हो जाने से इसको नहीं खा सकते हैं, इसलिए इसको हर दिन तोड़ना पड़ता है। अगर एक दिन आप भूल जाएंगे तो ये बूढ़ा हो जाएगा। भिंडी का सब्जी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैंने हर साल भिंडी लगाता हूँ मेरे छत पे। अभी ये सब भिंडी को तोड़ लेते हैं। ये भिंडी को अभी यहाँ पे रख देते हैं, पूरी तरह फ्रेश भिंडी है। यहाँ पे कुछ बैगन भी मैच्योर हो गया, इसको अभी तोड़ना पड़ेगा, इसको अभी तोड़ लेते हैं। दोस्तों ये जो भिंडी का पौधा देख रहे हैं ये करीब करीब 7-8 फीट लंबा हो गया है और इसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी तरह से आता है। देखिए कितना बढ़िया से बैगन को हार्वेस्ट कर लिए हैं। पूरी तरह से फ्रेश बैगन है। दोस्तों आप भी मेरे तरह ऐसे आपका छत का ऊपर आप ढेर सारे सब्जी उगा सकते हैं फ्री में। और ये जो सब्जियां हैं इसको तोड़ने में जो आनंद मिलता है और किसी में भी इतना आनंद नहीं मिलेगा। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है इसको लगाने में और जो सब्जी होता है इसको हार्वेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। मैंने 3-4 दिन में एक बार हार्वेस्ट करता हूँ और इतना सारा सब्जी मेरे को मिल जाता है। जितना भी मिल जाता है मेरा परिवार के लिए काफ़ी हो जाता है, मेरे को बाहर से ज़्यादा सब्जी खरीदना नहीं पड़ता है। और जितना भी सब्जी देख रहे हैं ये सारे के सारे मेरा टेरेस गार्डन में मैंने लगाया हूँ। यहाँ कुछ मिर्च भी पककर लाल हो गया, इसको तोड़ लेते हैं। कुछ कच्चा मिर्च भी खाने में इस्तेमाल के लिए हम ले लेते हैं और कुछ पकने के लिए छोड़ देते हैं। जो पक जाता है उसको फिर सुखा कर साल भर के लिए स्टोर करके रख देते हैं। जब भी सब्जी बनाते हैं तो उसी में से लेके सब्जी में डाल देते हैं। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। दोस्तों कुछ पुई भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, आज थोड़ा पुई का सब्जी बनाएंगे, इसलिए थोड़ा यहाँ से हार्वेस्ट कर लेते हैं जितना हमको ज़रूरत है। पोई का सब्ज़ी मेरे को बहुत अच्छा लगता है और पोई में बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, इसको खाना चाहिए।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।